यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। मैंने आज तक दुकान के बारे में सिर्फ सुना ही था कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज हम सब ने मिलकर ये काम कर दिखाया। जैसे तैसे ये जुड़वा डायन दुकान से तो पीछा छुड़ा लिया हमने, लेकिन भाभी डायन एकाएन का क्या, जो अभी तक इस घर में रह रही है? लेकिन चाची, उनकी वजह से ही हम दुकान को पकड़ पाए हैं। लेकिन अंश, उन्होंने जो भी किया वो तुम्हारे या हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए किया, क्योंकि वो भी डोला से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, और उन्हें ये पता था अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो डोला तुम्हें मार देगी और उसके बाद मोहना का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। डोला मोहना के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर थी अंश, और इसीलिए उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोहना सुधर गई है या अब वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। प्रिया बिल्कुल सही कह रही है अंश, जो डायन अपनी जुड़वा बहन की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। मोहना आज भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है, और उससे सबसे बड़ा खतरा तुम्हें ही है। मोहना को कैद करके रखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अंश, मोहना अगर तेरी माँ है तो मेरी बहन भी है। उसे तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन तुझे तो तकलीफ में नहीं देख सकती। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। वो क्या करने वाली है, वो क्या सोच रही है, हम सब जानते हैं। इसीलिए कह रही हूँ अंश, निशान जी की बात मान ले। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने का एक भी मौका जाने नहीं देते तुम लोग। हम अंश को भड़का नहीं रहे, वही बता रहे थे जो सच है। सच तो ये भी है कि पिया खुद मेरे पास चल के आई थी मदद मांगने के लिए, और मैंने तुम लोगों की मदद की। लेकिन दो दिन उस दो मुही डोला के साथ क्या गुजार लिए? तुम लोग भी दो मुहे हो गए, एहसान फरामोश हो गए। डोला को तुम लोगों ने नहीं बल्कि उसके दिल ने हराया है, क्योंकि उसने तुम इंसानों पे भरोसा किया। लेकिन मोहना डोला की तरह बेवकूफ नहीं है। अब देखना ये एकाएन क्या करती है। मोहना! डायन धोखा दे सकती है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और डोला को भी, इसकी भरपाई करने के लिए तैयार रहना। अगर मोहना ने डोला को आजाद कर दिया तो कयामत आ जाएगी, हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन हमें कैसे पता कि मोहना डोला को कहां लेकर गई है?
भाभी, भाभी डायन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ आसपास है भी या नहीं। तूने मुझे बचाया, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, इतनी ताकतवर दुकान मामूली इंसानों से इतनी आसानी से हार जाएगी। उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार किया और तू, तूने उनका साथ दिया, तो फिर अब क्या हुआ? तू मेरी बहन होकर भी ये सवाल पूछ रही है? मेरी बहन ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें उसका अपना फायदा ना हो। सही कहा, अपने फायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे उसके लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त की जान लेनी पड़े या सबसे बड़ी दुश्मन की जान बचानी पड़े। तू चाहती क्या है मोना? एहसान के बदले में एहसान। चल ठीक है, मैंने तुझ पे एहसान किया, मैंने तुझे माफ किया। तेरी माफी नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या चाहिए? मैंने तेरी मदद की है, अब तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे मकसद को पूरा करने में। तू चाहती है कि जिस मकसद को पूरा होने से रोकने के लिए मैं यहाँ आई थी, मैं उसी मकसद को पूरा करने में तेरी मदद करूं? बाजी बदल चुकी है डोला। लेकिन इतनी भी नहीं बदली कि डोला छुटकी की मदद करे। एक बार फिर सोच ले। सोच लिया। मोना दिखी गई? नहीं डैड। और दोबारा मुझे छुटकी मत कहना। या? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, कुछ नहीं। चलो इस तरफ ढूंढते। हाँ। इकायन हो या दुकायन, चोटी के बिना किसी काम की नहीं होती। और एक डायन की चोटी अगर कट जाए तो उसे कोई डायन ही जोड़ सकती है। अब बोल, डोला मोहना की मदद करेगी या नहीं? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे डायन वंश से निकाल दिया गया था, और तब भी तूने दुकायन बनने की फिराक में मेरे साथ धोखा किया था। तब धोखा दिया था, अब सौदा कर रही हूँ। दुकायन घाटे का सौदा नहीं करती है। तू अंश को मारकर दुकायन बनने का सपना देख रही है, मत भूल छुटकी, दुकायन सिर्फ एक ही हो सकती है। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई दुकायन नहीं दिख रही। दुकायन तो छोड़, तू अपनी इस छोटी के बिना डायन भी नहीं है। हम दोनों जुड़वा है डोला, इसका मतलब हम दोनों दुकायन बन सकते हैं। अब फैसला तुझे करना है, मुझे दुकायन बनने में मेरी मदद करके खुद भी दुकायन बने रहना है, या बाकी की जिंदगी अपनी चोटी और शक्तियों के बिना गुजारनी है। हम लोगों ने भी सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिखी। बोल, क्या करना है? मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है सर्पिका, तुझे उसे मेरे रास्ते से हटाना है। सर्पिका? क्या हुआ, डर गई? सर्पिका पर भगवान शिव का खास आशीर्वाद है, उसे मारना आसान नहीं है। लेकिन अगर वो सर्पिका रहे ना तो?